हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप IIT एग्जाम या किसी और यूनिवर्सिटी में MSc इंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ही मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं बेसिकली इसमें IIT एग्जाम 2005 के मैथमेटिक्स के पेपर पढ़ रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे आपको IIT एग्जाम 2005 से 21 तक के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। पहले क्वेश्चन नंबर 40 पर पहुंच चुके हैं। लेट एफ -1 to 1 टेंस टू आर बी सच डेट एफ इनवर्स सो एफ टू द पावर एन, यानी ये हमारे पास डेरिवेटिव एफ का एन टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है कि एन टाइम डेरिवेटिव एक्स जो है उसका मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन 1 एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 देन एफ हैज अ कन्वर्जेंट पावर सीरीज एक्सपेंशन इन अ नेबरहुड ऑफ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1/2 to 0, no x belongs to -1 to 1, every x belongs to 0 to 1/2। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें सिंपली ना तो पेन या कुछ उठाने की जरूरत ही नहीं है, इसको देखकर ही बता सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है उसके लिए n टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और जो है लेस देन इक्वल टू 1 है। मोड ऑफ इनका मोड जो है n टाइम डेरिवेटिव का f लेस देन और जो भी x belongs to -1 for all x belongs to -1, तो इन्हीं कंडीशन से हमारे पास ये सिंपली इंप्लाई f इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x belongs to -1 to 1। ये हमारे पास डायरेक्टली यहीं से हम लिख सकते हैं क्योंकि जो f जो है ये हमारे पास n टाइम डेरिवेटिव है और लेस देन इक्वल टू 1 है। फॉर एवरी एन ग्रेटर देन 1, यानी हर किसी डेरिवेटिव के लिए जो ये जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इस कंडीशन में जब हमारे पास हर किसी के लिए 1 है तो ये फंक्शन जो होगा और हर एक्स के लिए एक्स बिलोंग्स टू दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास -1 to 1, तो हर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए ये सिक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेंट भी होगा। तो इस तरह से यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं एफ जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सिक्वेंस है। थैंक यू फ्रेंड्स।